Yeah, Franklin, I am killing. Khelega, yeah, har din. Aaya hai doston ke saath. Suno kahani, isse tum har roz nayi baat. Ye hai Franklin, aaya aapke ghar. Ye hai Franklin, aaya mere ghar. Hey, ye hai Franklin. फ्रैंकलिन एंड द फॉर्च्यून टेलर। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेसेस भी बांध सकता था। उसके दोस्त थे कहानियाँ सुनाने वाले और जोक सुनाने वाले भी। पर एक दिन एक दोस्त ने फ्रैंकलिन को वो बताया जो कल होने वाला था। ये अच्छे हैं ना? बड़े टेस्टी हैं। पता है अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या फायदा होता है फ्रैंकलिन? क्या? हम उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट वाली किशमिश? हाँ, प्लीज। तुम्हारा शुक्रिया फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं बेयर। हे, अब मेरी बारी है। जरा हटो, मुझे भी तो आने दो। दिखाना जरा। हे, वहाँ क्या हो रहा है? चलो जाकर देखें। आ जाओ रैबिट, घुमा दो किस्मत का लट्टू। किस्मत मतलब? मतलब तुम्हारा भविष्य। जब ये रुकेगा तब महान मदाम भी बताएंगी कि रैबिट के भविष्य में क्या छुपा है। ट्रॉफी। ये तो अच्छा शगुन लगता है रैबिट। क्या बात है? इसका मतलब क्या है बीवर? ट्रॉफी मतलब अच्छी किस्मत। ये तो बहुत ही शुभ संकेत है बच्चा, मतलब तुम जीतने वाले हो। वाह, क्या बात है रैबिट। यिप्पी रैबिट, कितने लकी हो तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जरा सा खिलौना किसी का भविष्य कैसे बता सकता है? मुझे एक खोया हुआ खजाना मिलने वाला है। मैं फेमस होने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या जीतोगे रैबिट? कोई मुकाबला, कोई गेम, कोई रेस? कोई मुझसे रेस लगाएगा? मैं तो नहीं। कभी नहीं। ना जी ना। मुझे रेस नहीं लगानी। चलो मुझसे रेस लगाओ रैबिट, जो पहले स्लाइड तक पहुंचेगा वो जीतेगा। ठीक है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। भागो भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। अरे वाह, तो देखा तुमने, लट्टू सब जानता है। मैंने कहा था वो जीतेगा और जीत गया। हाँ, लेकिन रैबिट तो हमेशा सबसे तेज दौड़ता है। जरा मेरा भविष्य बताना। अगर तुम्हें इस लट्टू की शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो हम तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं बताएंगे। तो मेरा भविष्य बताओ ना। भविष्य फिर से घुमाओ। जिसे देखो वही मदाम बी का किस्मत का लट्टू घुमाना चाहता है। चलो लाइन लगाओ अब। मुझे तो शुक्रवार का दिन अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। हाँ, और मुझे भी। आइडिया अच्छा है। यहाँ बैठ जाओ स्नेल। ये बैकपैक हटा दो प्लीज। hey, स्नेल, तुमने स्कूल का न्यूज़लेटर देखा? देखो, इस महीने के क्लासरूम हेल्पर तुम ही हो। हाँ, ये तो मैं हूँ। देखा, मैंने कहा था ना तुम मशहूर हो जाओगे। ठीक कहा था तुमने, आज मैं मशहूर हूँ। किस्मत का लट्टू वाकई भविष्य बताता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन स्कूल के न्यूज़लेटर में तो हमेशा ही क्लास की किसी न किसी बच्चे की फोटो आती है। हे, मेरा पेन मिल गया। कहाँ था ये? यहाँ सीट के नीचे फंसा हुआ था। पता है ये पेन मुझे मिस्टर आउल ने दिया था, मुझे लगा कभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं था कि तुम्हें खोया हुआ खजाना मिलेगा? वाओ, किस्मत के लट्टू की बात फिर सच निकली। अब बोलो क्या कहते हो? मेरा ख्याल है उसे खोया हुआ खजाना मिला है, है ना फ्रैंकलिन? और मुझे मशहूरी मिली है, चाहे सिर्फ स्कूल के अंदर ही मिली हो। ठीक है, शायद ये सिर्फ एक मामूली खिलौना नहीं है। तो क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहोगे? तुम्हें आजमाना चाहिए फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन, मैं मजा आएगा। कोई काम की बात पता चल जाए। ठीक है। वाह, क्या बात है। चल घूम रे लट्टू।
चलो फ्रैंकलिन, तुम घर से जाओ। फ्रैंकलिन, उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। उदास बादल, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई अच्छा शगुन नहीं है फ्रैंकलिन, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कल का दिन बुरा गुजरेगा। बेचारा फ्रैंकलिन। पर मेरा दिन क्यों बुरा गुजरेगा? मैं क्यों नहीं मशहूर हो सकता? मैं क्यों नहीं जीत सकता? या मुझे खजाना क्यों नहीं मिल सकता? सॉरी फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो लट्टू कह रहा है। बहुत बुरा, ये बुरा हुआ। घबराओ नहीं फ्रैंकलिन, जरूरी नहीं है कि ये लट्टू हर बार सच बोले। हाँ, ये हर बार सही नहीं हो सकता। तुमको कैसे पता? वो इसने कहा था कि मुझे कहीं दूर से कोई दोस्त बुलाएगा, पर अब तक नहीं बुलाया। हे बैर, खाना खाकर आ जाना, हम खेलेंगे। देखा, बुलाया ना। अच्छा, कल मिलते हैं। अब अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो कल मिलते हैं। कौन है? मैं हूँ बैर। हाय फ्रैंकलिन, मुझे अंदर आने दोगे क्या? ठीक है, पर जल्दी। तुम्हें क्या लगा कौन आया है? पता नहीं, पर मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। आज का दिन मेरे लिए बुरा है, भूल गए क्या तुम? खुशबू से तो ऐसा नहीं लगता फ्रैंकलिन। डैड ने नाश्ते में पैनकेक्स बनाए हैं। तब तो दिन अच्छा ही हुआ ना तुम्हारा। अभी तो सुबह ही हुई है बेर, कुछ भी बुरा होने के लिए अभी बहुत से घंटे बाकी हैं। तुम बहुत सोचते हो, चलो ट्री फोर्ट पर जाकर मस्ती करते हैं। ट्री फोर्ट पर? मैं वहाँ नहीं जा सकता, अगर सीढ़ी से गिर पड़ा तो? तो जरा संभल कर चढ़ना। पर अगर तुम सीढ़ी से सीधे मेरे ऊपर आ गिरे तो? मैं भी संभल कर चढ़ूंगा। और अगर ट्री फोर्ट पर बिजली गिर गई तो? मैं गरजने वाला बादल देखते ही तुम्हें खबरदार कर दूंगा। ना भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर अपना दिन खराब है तो अपने लिए सबसे अच्छी जगह यही है। अच्छा होगा आज के दिन मैं गार्डन से दूर ही रहूं। वहाँ कोई मधुमक्खी डंक मार दे या कांटा ही चुप जाए। ओह, कहीं वही आज का दिन बर्बाद करने वाली चीज तो नहीं? क्या पता इस पत्थर से ही मेरे अंगूठे को चोट लग जाए। मुझे इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। ये तो बहुत ही भारी है। तुम क्या कर रहे हो? मदद चाहिए फ्रैंकलिन? हाय दोस्तों, तुम ट्री फोर्ट गए थे? हाँ गए थे, और जानते हो क्या हुआ? वो गिर गया या तुम्हें से कोई गिरा? हाँ बताओ ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रॉबिन के अंडों से बच्चे निकले। बच्चे निकले? सारे के सारे? हाँ, चार बच्चे, हमने उन्हें अंडों में से बाहर निकलते देखा। कितने प्यारे बच्चे थे, तुम्हें देखना चाहिए था। जानता हूँ, मुझे देखना चाहिए था, वो घोंसला मैंने ही तो ढूंढा था। हमारे साथ बाइक पर घूमने चलोगे फ्रैंकलिन? बाइक पर आज? और अगर पहिया निकल गया तो? आज के दिन तो मेरे लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ वहीं पर रहूँ। एक तो आज का दिन इतना बुरा है, उस पर से 38 से 39, 39 से 40, कैंची। मुझे शुरू से पता था कि ये कैंची है। शेर की दुम, पथरीली राह, चंकी चॉकलेट, कुरकुरा बिस्किट और बेली बेली बनाना, है ना आज का दिन सबसे सुहाना? बिल्कुल है, सबसे अच्छा। हे दोस्तों, तुम बाइक पर घूम आए? हाँ, पर ज्यादा दूर नहीं गए। क्यों, क्या हुआ? कोई बाइक से गिर गया था या फिर तुम में से किसी का फर चेन में फंस गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्त। बुरा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मिस्टर स्कंक अपनी आइसक्रीम की दुकान में नया फ्रीजर लाए थे ना? तो वो पुराने फ्रीजर की आइसक्रीम को पिघलने से पहले मुफ्त में बांट रहे थे। उनकी दुकान में इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था। जानता हूँ, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए था, मैं उनका सबसे अच्छा कस्टमर हूँ। तुम्हें अपना मूड ठीक करने के लिए पता है क्या करना चाहिए? तालाब में तैरना चाहिए। चलो सब तैरने चलते हैं, मजा आएगा। पता नहीं दोस्तों, वहाँ अगर मेरे पैर में क्रेफिश ने काट लिया तो? और अगर नहीं काटा तो? हाँ, क्या पता वहाँ तुम्हारा वक्त बहुत ही अच्छा गुजर जाए।
लेकिन आज तो मेरा दिन बहुत खराब बताया है ना, किस्मत के लट्टू ने यही कहा था। तुम्हारा बुरा वक्त तो तब था जब तुमने रॉबिन के बच्चों को अंडों से निकलते नहीं देखा। हाँ, और जब तुम हमारे साथ बाइक चलाने नहीं आए, और जब तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिली। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं हूँ इस किले का राजा। hey, देखो कौन आया है। तो फ्रैंकलिन, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बुरा। बहुत बुरा। तो फिर तुम इतने खुश क्यों हो? क्योंकि अब मैं फिर से मौज उड़ा सकता हूँ। आज मैंने बहुत सा वक्त उन बातों की फिक्र करने में बर्बाद कर दिया जो शायद कभी हो ही नहीं। पर अगर किस्मत के लट्टू ने कहा है कि कुछ होगा तो वो जरूर होगा। मैं खुद आज एक बड़े सरप्राइज का इंतजार कर रही हूँ। किस्मत के लट्टू ने कहा है। हे, किस्मत के लट्टू की बात फिर सच निकली। ओह, लगता है वो हर बार सच नहीं बोलता है। फ्रैंकलिन सेलर। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेसेस भी बांध सकता था, और कल्पना उसकी ऐसी थी कि चांद मुस्कुरा दे और बादल दिखे जानवरों जैसे। लेकिन एक दिन उसने ऐसी कल्पना की कि परेशान हो गया बेचारा। अंगूर के जैम की यही प्रॉब्लम है। ये इतना अच्छा है कि फटाफट खत्म हो जाता है। फिक्र मत करो फ्रैंकलिन, तहखाने में बहुत सारा जैम रखा है। वाह, बहुत सारा ही तो मुझे चाहिए। मैंने देखा है वो इस जैम की काफी मोटी परत लगाता है। मैं जानती हूँ उसने किससे सीखा है। शायद बेर से? है? पता नहीं ये पत्ती सीढ़ियों के नीचे क्यों लगा रखी है। ये क्या था? जैम तो कोई और भी ला सकता है। कितनी डरावनी सीढ़ियां हैं। पता नहीं ये सेलर्स हमेशा इतने अजीब क्यों होते हैं। वो क्या है? अरे ये तो क्रिसमस की सजावट है। ये मॉन्स्टर वगैरह कुछ नहीं होता, सबको मालूम है। फ्रैंकलिन, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ नीचे एक मॉन्स्टर है। अच्छा, वो दिखता कैसा है? मैं देख तो नहीं पाया, पर आवाज से बहुत बड़ा और भूखा लगता था। कहीं वो गड़गड़ा तो नहीं रहा था, ग्लग 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 इस तरह से? हाँ, आपने भी सुना क्या? हाँ, दरअसल तुमने जो आवाज वहाँ सुनी थी ना, वो हमारे पुराने हीटर की थी। ओह, तो वो उसकी आवाज थी। आप मुझे बहुत बुद्धू समझ रहे हैं ना? नहीं बेटा, मॉन्स्टर्स असली थोड़े ही होते हैं, फिर भी मैं उनसे डरता हूँ। तुम्हारी कल्पना मॉन्स्टर को असली बना देती है। मुझे अपनी कल्पना पसंद नहीं है। तुम्हारी कल्पना तो बहुत ही अच्छी चीज है फ्रैंकलिन, वही तो तुम्हें अच्छे अच्छे आइडियाज देती है। पर मुझे तहखाना पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है, वहाँ सिलन और अंधेरा होता है और अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। किसी के पास हमारे जितनी चीजें होंगी तो वो उन्हें कहीं तो रखेगा ही ना। डैड, आप मुझे थोड़ा जैम और ला देंगे? मैं आपके लिए टोस्ट बनाता हूँ। अभी लो। मैं मदद करती हूँ। नहीं, ठीक है मॉम, डैड ने मुझे ऐसे टोस्ट बनाना सिखाया है जिससे किनारे तक कुरकुरे लगते हैं। जल्दी करो, कटोरी भीग गई। जल्दी खोलो दरवाजा। ये सब तभी क्यों होता है जब मेरी टीम जीत रही होती है। अब हम क्या करें? फायर ड्रायर निकालो। हमें कोई इंडोर गेम खेलना चाहिए। हे, मुझे पता है हमें क्या खेलना चाहिए। चलो छुपा छुपी खेलते हैं। हाँ, चलो। हाँ।
38, 39, 40. तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी पता नहीं ये चाला घुस कहाँ छुप गई होगी। 1, 2, 3 आओ। आहा। तुमने घुस नहीं कहा। फ्रैंकलिन तुम्हें डराना तो बड़ा आसान है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सोचो अगर बेर ने भी तुम्हें डरा दिया तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाएगी। कुछ नहीं, मैं बस चौंक गया था। मैं किसी से भी नहीं डरता। पर वो कहाँ पर छुपा होगा? मुझे पता है बेर कहाँ छुपा है। खाने में मुझे नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता जब तुमने देखा ही नहीं? हाँ तुम्हें देखना चाहिए वरना तुम सारा दिन ढूंढते रह जाओगे। ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। नहीं मुझे नहीं दिख रहा। तुम्हें नीचे जाने में डर लग रहा है ना? नहीं मैं तो पता नहीं मुझे पता नहीं ना बत्ती कहाँ है। मुझे नीचे जाना पसंद नहीं है। मुझे पता था। आओ गूस हम फ्रैंकलिन को दिखाते हैं कि तहखाने में डरने वाली कोई बात नहीं होती। मुझे भी तहखाने में जाना अच्छा नहीं लगता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। जल्दी आओ ना। देखा मामूली तहखाना ही तो है। मामूली तहखाना? तो फिर ये मछलियाँ? हम पानी के नीचे हैं और क्या, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो देखो भट्टी, वो वॉशिंग मशीन, वो एक्सरसाइज बाइक और सामान की अलमारी। मुझे जो चीजें दिखाई देती हैं उनसे डर नहीं लगता बल्कि जो नहीं दिखती हैं उनसे डर लगता है बीवर। तो तुम्हें क्या नहीं दिख रहा फ्रैंकलिन? बताऊं वो जो अंधेरे कोने में छुपा होता है और अचानक चौंका देता है। तुम्हारा मतलब है वो मॉन्स्टर्स? गूस अब तुम भी? अब बस भी करो दोस्तों, सबको पता है कि मॉन्स्टर सिर्फ कल्पनाओं में होते हैं। तो फिर वो क्या है? क्या? ठीक है बेर अब तुम बाहर आ जाओ। मैं वहाँ नहीं यहाँ हूँ। मैं अब कभी भी अपने तहखाने में नहीं जाने वाली। मैं भी कभी अपने वाले में नहीं जाऊंगी। अब तो कभी भी नहीं। अब मैं क्या करूं? हमारा तो फ्रीजर ही तहखाने में है। यानी आइसक्रीम बंद? हाँ अब तो मॉम या डैड देंगे तभी मिलेगी। पर मैं वहाँ नहीं जाने वाला। मैं भी अब अपना अंगूर का जैम नहीं ला सकता। हे ऊंट जैसा बादल देखो। क्या? हाँ ऊंट? वो वहाँ वो वाला बादल, वो रहा उसका सिर, वो उसका कुबड़। अरे हाँ मुझे तो वहाँ एक शार्क दिख रही है। मुझे भी दिख रही है। मुझे भी। अगर हम अपनी कल्पना इस्तेमाल करें तो दुनिया भर की चीजें देख सकते हैं। हाँ कल्पना ही मॉन्स्टर्स को असली बनाती है। तुम्हारी कल्पना तो बहुत ही अच्छी चीज है फ्रैंकलिन, वही तो तुम्हें अच्छे अच्छे आइडियाज देती है। बिल्कुल ठीक, अब हमें मॉन्स्टर से छुटकारा भी कल्पना ही दिलाएगी। मॉन्स्टर से छुटकारा? तुम ये क्या कह रहे हो फ्रैंकलिन? हमने अभी अपनी कल्पना से कितने जानवर बनाए थे ना, और मॉन्स्टर्स भी तो कल्पना ही है, नहीं? हाँ, बात तो सही है। तो क्यों ना हम अपनी कल्पना के सहारे उनसे छुटकारा पा लें? आओ बहुत मजा आएगा। ओके ठहरो फ्रैंकलिन। Thank you.
मॉन्स्टर लेजर्स तेज करो। चलो उनको भगाए। तुमको वो क्या है? वो मारा तुम नहीं बचोगे। ओ हाय डैड। ओहो मेरे तहखाने से मॉन्स्टर्स भगाने का शुक्रिया। नो प्रॉब्लम मॉम। बड़ा मजा आया, हमने तहखाना ठीक कर दिया। वाकई मजा आया। लगता है अब तुम्हें तहखाने से बिल्कुल डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, बस जरा सी कल्पना खर्च करनी पड़ी। तो चले दोस्तों। मैं तैयार हूँ। मैं भी। चलो चले। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मिस्टर मोल के घर पर। क्या पता उनके यहाँ भी मॉन्स्टर्स हो। जरा ठहरो दोस्तों।